अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। पहले उनको जेल हुई और उसके बाद उनके बेटे की शादी टूट गई और अब उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते लालू यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीते एक साल से वो कानूनी मोर्चे के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़े केस में दोषी ठहराए जाने के बाद से लालू यादव के लिए संकट का दौर चल रहा है। लालू को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उनको पूरा एक साल हो गया। लालू को बीते 30 अगस्त को रिम्स में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में लालू यादव के स्वास्थ्य पर नजर रखने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि एक साल में उनके शरीर पर फफोलों को हटाने के लिए 7 बार ऑपरेशन किया जा चुका है। बीते रविवार से वो पीठ के नीचे फफोला उभर आने से परेशान थे। बिस्तर पर वो ठीक से लेट भी नहीं पा रहे। इसके बाद डॉक्टर्स ने फफोलों को हटाने के लिए माइनर सर्जरी का फैसला किया। लालू यादव को बीपी की भी परेशानी है, जिसके चलते उनको बीपी की भी दवाई दी जा रही है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी समस्याओं से लालू यादव जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो लालू यादव की किडनी केवल 37% काम कर रही है। उनकी किडनी को 63% तक नुकसान पहुंचा है। पिछले एक सप्ताह से उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। गंभीर हालत में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो जल्द ही रिकवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि वो कब तक रिकवर कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।